हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अध्ययन गुरु चैनल्स आपका क्लास में मोस्ट वेलकम करता है। आपकी क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पिछले वीडियोस में डिस्कस किया गया था। पिछली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन को के लेक्चर दिए गए थे। आज की क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन के कई टाइप्स और उनकी ज्योमेट्री के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज हमने आपके साथ में वादा किया था कि हम इनको एक एक एग्जाम्पल की सहायता हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर हम क्लियर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का सीधा तरीका। तो चलते हैं, आज की क्लास में हम आपसे बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को लेकर के। देखिएगा, सबसे पहला टाइप्स यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कस करते हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला यहां पर टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एस और पी, ये ऑर्बिटल्स, जैसा कि डेफिनेशन में बताया था कि लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल, और जब बनेंगे तो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल होंगे। तो ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में एक ऑर्बिटल एस, यहां पर एक ऑर्बिटल यूज में लाया गया है एस, एक ऑर्बिटल है एस एस और एक ऑर्बिटल पी, दो ऑर्बिटल यहां पर यूज में लाए जा रहे हैं, प्लस एक ऑर्बिटल पी। तब यहां पर मिल जाते हैं एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तब क्या बन जाएंगे? एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल डिस्कस कर लीजिएगा, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन यहां से देखिएगा, क्या बता रहे हैं कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आ रही है कि जब एक ऑर्बिटल एस और एक ऑर्बिटल पी मिलकर के दो नए ऑर्बिटल, जो कि एनर्जी में समान हो, इक्वल एनर्जी के दो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। फिनोमिना एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो यहां पर एक ऑर्बिटल एस और एक ऑर्बिटल पी का यूज किया गया है। अब चलते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन, जिनकी ज्योमेट्री डिस्कस की थी कि लाइनर ज्योमेट्री होती है, जिनकी ज्योमेट्री के बारे में बताया था कि इनकी ज्योमेट्री लाइनर होती है, कैसे क्लियर करते हैं। चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल को यहां पर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं BeCl2। एक मॉलिक्यूल्स ले लिया है हमने यहां पर BeCl2। इस मॉलिक्यूल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, और जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन आपके सामने हमने क्लियर की थी कि हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल्स के केवल सेंट्रल एटम में देखा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल्स के केवल सेंट्रल एटम में देखा जाता है। अब इसमें सेंट्रल एटम है बीई, तो आप देख सकते हैं बीई 4 एटॉमिक नंबर होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है। बेरिलियम का आप अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है। तो यहां पर वीई इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में इसकी बेरिलियम की कंडीशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन अंतिम सेल के ऑर्बिटल में होता है। अंतिम सेल है 2, 2 में ऑर्बिटल होता है s और 2 में ऑर्बिटल होता है p, 2s, s में दो ऑर्बिटल हैं, और क्लास 2 सेल 2 में p ऑर्बिटल भी होता है, जो कि अभी यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट बात हमने डिस्कस कराई थी कि जब ऑर्बिटल वैकेंट हो तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाता है, जिसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर देख सकते हैं बीई इन एक्साइटेड स्टेट,
देखिएगा एग्जाइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था यहां पर क्या बता रही है कि 2s से इलेक्ट्रॉन एक निकल करके इलेक्ट्रॉन चला गया है किसमें 2p ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर 2p ऑर्बिटल में आ गया है 2s से निकल करके 2p ऑर्बिटल में। अब देख सकते हैं इसके पास में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है, तो दो क्लोरीन यहां पर शेयरिंग करेंगी BeCl2। अब देखिएगा बेरिलियम क्लोराइड में पहले से आपका क्या लिखा हुआ था Be, देखिएगा बेरिलियम क्लोराइड में Be की कंडीशन किस तरीके से आपको दिख रही है, यही तो है एग्जाइटेड स्टेट में। अब यहां पर एक क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एंट्री मारेगा, दूसरे क्लोरीन का यहां पर इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा, तो देखिएगा इक्वल एनर्जी के कितने ऑर्बिटल आपको यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, दो ऑर्बिटल, तो ये जिसमें एक है एस और एक है पी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। और जिनमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लाइनर, कैसी ज्योमेट्री डिस्कस होती है यहां पर, लाइनर, रेखीय ज्योमेट्री यहां पर आती है। तो BeCl2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी, तो इसकी ज्योमेट्री यहां पर देखिएगा कैसी बनाएंगे, Be, इसकी वैलेंसी दो है, जब एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा वैलेंसी 180 अंश के कोण पर प्रेजेंट होगी, तो इस तरीके से 180 ये एंगल बनेगा यहां पर, एक सीएल यहां पर जुड़ेगा और एक सीएल यहां पर जुड़ेगा, ये स्ट्रक्चर होगी BeCl2 की। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर हो रही हो, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो रहा हो, तुरंत क्लास को लाइक कीजिएगा। सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन पर हम आपसे बात शेयर करते हैं, सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं, यहां पर देखिएगा sp2, सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, यहां पर जो यूज किया जा रहा है एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, ये मिलकर के हो जाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मिलकर के बना लेते हैं क्या, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिन मॉलिक्यूल्स में होता है उनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल होती है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल होती है, तो डेफिनेशन डिस्कस कीजिएगा कि एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल मिलकर के तीन ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो पूरी फिनोमिना sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो यहां पर देखिएगा हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड को डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर देखिएगा बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है 1s2 2s2 2p1, आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं बोरान के लिए। अब यहां पर बोरान की जो कंडीशन है बी इन ग्राउंड स्टेट, बोरान एटम को हम ग्राउंड स्टेट में क्लियर करते हैं, मूल अवस्था में देखते हैं, तो इसमें 2s यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है 2s में, और इसी के साथ 2p पी में इलेक्ट्रॉन है एक 2p। अब यहां पर ऑर्बिटल वैकेंट है, ये इलेक्ट्रॉन इसका पेयर्ड है, तो तुरंत यहां से b इसका इलेक्ट्रॉन एग्जाइटेड होकर के यहां पर आ जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल में, एग्जाइटेड स्टेट
तो देखिएगा एक्साइटेड स्टेट में कंडीशन क्लियर कीजिएगा क्या हो गई है बोरान की एक्साइटेड स्टेट में कंडीशन। तो यहां पर जब कंडीशन डिस्कस करेंगे 2s, 2s से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुका है और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच चुका है 2p ऑर्बिटल में। अब इसके पास में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसके पास में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का साझा करती है तो तीन क्लोरीन है। तो यहां पर देख सकते हैं बी एटम इन बी सी एल थ्री। अब पहले से ही आप देख रहे हैं, यहां पर पहले से देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लिखा हुआ है 2s, 2s में पहले से ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है बोरान का है पहले से, 2p, p में भी पहले से ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन, क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन देखिएगा हम ये डाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। तो यहां पर देख सकते हैं कितने ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के आ रहे हैं। आप क्लियर कीजिएगा, यहां पर आपको खुद ही नजर आ जाएंगे कि एक ऑर्बिटल इसमें s है और दो ऑर्बिटल p हैं। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल होती है, ट्राइगोनल त्रिकोणीय ज्योमेट्री होती है, कैसी त्रिकोणीय ट्राइगोनल, और कोण रहता है 120 अंश का, कोण कितने का रहता है 120 अंश का। अगर इसकी स्ट्रक्चर यहां पर बनाओगे BCl3 की तो इस तरीके से तीनों वैलेंसी 120 अंश के कोण पर प्रेजेंट होंगी, BCl3 की ये स्ट्रक्चर यहां पर बनेगी। तो देखिएगा यहां पर दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस किया है BCl3, तो ये सेकंड हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कीजिएगा जल्दी से। देखिएगा थर्ड हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हाइब्रिडाइजेशन आपका चल रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल मिलकर के चार ऑर्बिटल, जिसमें एक s है तीन p है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। यहां पर क्या कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल, तो जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। तो चलिएगा देखिएगा हम यहां पर भी एक एग्जांपल सेट करते हैं CH4, एग्जांपल डिस्कस करते हैं CH4, CH4 को क्लियर कर रहे हैं। कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं सिक्स होता है 1s2, 2s2, 2p2। कार्बन का देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, C एटम इन ग्राउंड स्टेट में देखिएगा C एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में डिस्कस कीजिएगा कार्बन एटम को। जब ग्राउंड स्टेट में कार्बन एटम डिस्कस करेंगे 2s, s में दो इलेक्ट्रॉन है 2s, 2p, p में दो इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल, अभी ऑर्बिटल वैकेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो यहां पर हो जाएगा सी एटम की एक्साइटेड स्टेट भी आ जाएगी, सी एटम इन एक्साइटेड स्टेट। देखिएगा उत्तेजित अवस्था में कंडीशन को डिस्कस कीजिएगा एक्साइटेड स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर के कहां पर चला गया है 2p ऑर्बिटल में चला गया है। अब इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर हो चुके हैं, देखिएगा चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। अब यहां पर चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चार हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की यहां पर शेयरिंग कर लेंगे,
तो सी एटम इन CH4 में कार्बन की कंडीशन देखिएगा क्या हो जाएगी, 2s। यहां पर ये तो हम इलेक्ट्रॉन कार्बन का नोट कर रहे हैं 2p, यहां पर देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के हैं, अच्छे से देखते रहिएगा। अब 4 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर डाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन किसका आया है, हाइड्रोजन का आया है। तो देखिएगा इक्वल एनर्जी के टोटल ऑर्बिटल 4 यहां पर बने हुए हैं, इक्वल एनर्जी के टोटल ऑर्बिटल यहां पर बने हुए हैं 4। अब जो 4 ऑर्बिटल यहां पर बने हुए हैं जिनमें एक ऑर्बिटल s, 3 ऑर्बिटल p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कीजिएगा, CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहां पर ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कैसी होती है इसमें, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, कैसी होती है चतुष्फलकीय। और बॉन्ड एंगल यहां पर रहता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल यहां पर रहता है। तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को इस तरीके से देख सकते हैं, सी चारों वैलेंसी 109 अंश 28 मिनट के कोण पर होती हैं, 109 अंश 28 मिनट के कोण पर। CH4 की स्ट्रक्चर देखिएगा ये बन रही है, इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, CH4 की स्ट्रक्चर को यहां पर इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, सी एच, CH4 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ऐसे भी यहां पर डिफाइन किया जा सकता है इस तरीके से। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल। तो आपको क्लियर हुआ होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अलावा डी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज में आते हैं। देखिएगा 4th हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। डी ऑर्बिटल का भी यूज होता है, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल s हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल p और एक ऑर्बिटल d, यहां पर टोटल 5 ऑर्बिटल हो गए जिसमें sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिएगा यहां पर हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं आपके साथ में, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक्सरसाइज यहां पर देखिएगा डिफाइन कर रहे हैं PCl5 मॉलिक्यूल्स, जिसके होने के बारे में पहले बहुत मतभेद थे, लोग मानते थे नहीं होगा, आज हम ये दिखा रहे हैं कि होगा, PCl5 होगा। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी वैलेंसी 5 भी होती है, फास्फोरस 15 और 15 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अच्छे से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर देखिएगा कक्षा 3 तीसरी सेल में 3d ऑर्बिटल भी होता है, जो कि यहां पर विन्यास में नहीं लिखते हैं लेकिन प्रेजेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहां पर पी एटम का जब स्टडी करते हैं, पी एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में जब इसकी स्टडी करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं डी ऑर्बिटल भी होगा 3s, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s 3p, p में 3 इलेक्ट्रॉन है 3p, और इसी के साथ 3d, d में 5 ऑर्बिटल, अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी तो इसके पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी 3 होती है। लेकिन
इसका ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के वैकेंट ऑर्बिटल में जब आ जाता है तो पी एटम इन एक्साइटेड स्टेट में पी एटम को जब डिस्कस करते हैं तो 3s से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है 3p, यहां पर पहुंच जाता है वो सॉरी 3d ऑर्बिटल में, तो यहां पर d ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो फास्फोरस की अधिकतम सहसंयोजकता 5 होती है, फास्फोरस की अधिकतम सहसंयोजकता 5 होती है। आप अच्छे से इस फिनोमिना को डिस्कस कर सकते हैं। तो जब 5 होती है तो यहां पर PCl5 बन जाएगा, पी एटम इन PCl5 यहां पर अच्छे से बन जाएगा PCl5। अब जो PCl5 मॉलिक्यूल्स यहां पर बनेगा तो हम देख सकते हैं 3s 3p थ्री डी यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर Cl अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डालेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन Cl डाल देगा, 5 Cl हैं, तो टोटल ऑर्बिटल यहां पर आपके क्लियर हो गए हैं कितने, 5 ऑर्बिटल, जिसमें एक ऑर्बिटल s, 3 ऑर्बिटल p और एक ऑर्बिटल d। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और sp3d हाइब्रिडाइजेशन जिनमें होता है उनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईप्रिमिडल होती है, ट्राइगोनल बाईप्रिमिडल प्रिमिडल ज्योमेट्री यहां पर मिलती है। तो इस तरीके से PCl5 की यहां पर ज्योमेट्री डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। PCl5 की ज्योमेट्री Cl, 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 ये ज्योमेट्री बन जाएगी PCl5 के लिए, ट्राइगोनल बाईप्रिमिडल ज्योमेट्री यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से PCl5 की यहां पर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट देख सकते हो आप PCl5 कैसे बना हुआ है। और अब इसके बाद में 2 हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे। आज की क्लास यहीं से क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।